गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें कि एग्रीकल्चर साइंस और एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा फलों उत्पादन में, वो रहेगा खजूर। खजूर का वैज्ञानिक नाम है फिनिक्स डक्टाइलिफेरा पोमी या एरिकेसी कुल का सदस्य है। इसमें द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या है वो है 36 और अगुणित गुणसूत्र की संख्या है 18। फल का प्रकार स्टील ड्रुप फल पाया जाता है। इसका खाने योग्य जो भाग है वो इसकी मुख्यतः फल भित्ति पेरिकार्प और सेंटर ऑफ ओरिजिन उद्गम स्थल है खाड़ी प्रदेश इराक। ये इसकी जनरल इंफॉर्मेशन। खजूर एक प्राचीन फल वृक्ष है जो भारत के कच्छ गुजरात इलाके में बहुतायत में है। राजस्थान के जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर तथा जोधपुर जिलों में इसकी खेती की जा रही। इसके फल कार्बोहाइड्रेट 60 से 65% लौह तत्व से भरपूर होते हैं, जिन्हें ताजे फल डोका अवस्था पर मुलायम पिन व सुखा कर छुआरा उपयोग में लिया जाता है। जलवायु एवं मृदा, जलवायु खजूर की फसल सफल खेती के लिए लंबी अवधि तक ग्रीष्मकाल, बड़े दिन, पाला रहित वातावरण, पुष्पन व फलन के समय वर्षा रहित मौसम आवश्यक है। एक अरबी कहावत के अनुसार इसके पौधों का सिर आग में पाव पानी में होना चाहिए, यानी कि भीषण गर्मी पड़ती है वहाँ पर भी ये सफलतापूर्वक सर्वाइव कर सकता है। जैसलमेर बाड़मेर की यहाँ पर बात हो रही है राजस्थान में, तो ये ऐसा है। तो इसमें पौधे का सिर है वो आग में होना चाहिए और पाव पानी में होना चाहिए। ऐसा क्षेत्र जहाँ 3300 उष्मा इकाई हीट यूनिट पुष्पन से फल परिपक्व हो तो इसके उत्पादन के लिए अच्छा रहता है। खजूर के अच्छे उत्पादन के लिए मृदा गहरी रेतीली व दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। ये लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं में आसानी से लगाया जा सकता है। 8 से 10 पीएच मान तक वाली भूमि में भी इसे लगाया जा सकता है। ये मृदा के 4% लवण सांद्रता को भी सहन कर सकता है। उन्नतशील किस्में, इसकी उन्नतशील किस्मों में ताजे फल के लिए अंगेती एवं मध्यम मौसम की किस्में जिसमें खराश नहीं होती या गला नहीं पकड़ती है, मीठी होती है जिसमें आप हलावी खुनीजी बरई खलास आदि। मुलायम फल वाली में सुक्रोज शर्करा पूर्ण रूप से अपघटित इन्वर्ट शर्करा में बदलती है। हलावी जागलू खद्रावी इत्यादि। खजूर में प्रवर्धन, वैसे तो खजूर का प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है, परंतु बीजू पौधों की गुणवत्ता कायिक विधि द्वारा किए गए पौधों की तुलना में कम होती है। खजूर में कायिक प्रवर्धन अंतःभूस्तारी ऑफशूट द्वारा तैयार किया जाता है। मुख्य वृक्ष से सर्कस अलग करते समय ये ध्यान रहे कि उनका वजन कम से कम 6 किलोग्राम अवश्य होना चाहिए। खजूर के बगीचे में नर एवं मादा पौधों का अनुपात 1:10 का रखना चाहिए।
नर पौधों का अनुपात अधिक हो तो उन्हें हटा देना चाहिए। आजकल उत्तक संवर्धन विधि के द्वारा भी खजूर के गुणवत्ता युक्त पौधे तैयार किए जा रहे तथा इन पौधों की खेत में स्थापना दर ऑफशूट पौधों की तुलना में अधिक होती, परंतु सोमा क्लोनल वेरिएशन इन पौधों में देखने को मिलता है। और सोमा क्लोनल वेरिएशन है वो कभी कभी पादप उत्तक संवर्धन के क्षेत्र में है वो अच्छा भी सिद्ध हुआ है। पौधरोपण की विधि, ग्रीष्मकाल जून माह में 1x1x1 मीटर आकार के 8x8 मीटर की दूरी पर गड्ढे खोद लें व गोबर की सड़ी खाद 25 किलोग्राम, 200 ग्राम सुपर फॉस्फेट, 50 ग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास तथा 50 ग्राम किनाल फॉस प्रत्येक गड्ढा मिलाकर जुलाई अगस्त माह में इसका रोपण करें। रोपाई के समय सर्कस को भूमि से 15 सेंटीमीटर ऊपर रखें और ध्यान रहे कि सिंचाई का पानी तने को भी छू पाए। खाद एवं उर्वरक, खजूर की फल देने वाले पौधों को 30 से 40 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद सितंबर माह में देवे। इसके अलावा प्रतिवर्ष 600 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम पोटास प्रति वृक्ष मार्च अप्रैल महीने में देना चाहिए। सिंचाई व अंतस्य, खजूर हेतु कहावत सिर आग में पाव पानी में होना चाहिए, अर्थात खजूर को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, अतः पौधे रोपण के शुरुआत में नियमित और बाद में महीने में दो बार, सर्दियों में चार बार, गर्मियों में देते रहें। फल बनते समय एक बुधवार के समय भूमि में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अंतःशयन में खजूर के वृक्षों के साथ बहुखंडीय मल्टी स्टोरी फल वृक्ष व अन्य पौधे रोपित कर सकते हैं, जैसे अनार, फालसा, पपीता, दलहनी फसलें जिसमें बगीचों की आय में भी बढ़ोतरी एवं जगह का उपयोग होता। पुष्पन एवं फलन, खजूर में नर पुष्प पहले परिपक्व होता है जिसे प्रोटोएंड्री कहते हैं, और इन पुष्प क्रम स्पेंडिक्स को काटकर अखबार पर पराग रंज पाउडर इकट्ठा कर लें तथा कुछ समय बाद निकलने वाले मादा पुष्पों पर रूई के फवे की सहायता से या डस्टर मशीन द्वारा कृत्रिम परागण करने से फलों की संख्या व गुणवत्ता बढ़ने से अधिक उपज प्राप्त होती है। इस तरह परागणों का फल की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रभाव को मेटाजीनिया प्रभाव कहते हैं। खजूर में पुष्पन एवं निषेचन के बाद फल बनना प्रारंभ होता है। फल विकास की निम्न अवस्था होती है, पहली है गंडोरा, फल कच्चे हरे व कठोर होते हैं। डोका, फल पूर्ण विकसित ठोस पीले या लाल रंग के होते हैं। डेंग रुतब, फलों का शीर्ष भाग मुलायम होना शुरू हो जाता है। पिन तमर, पूर्णतः मुलायम फलों की अवस्था है। राजस्थान में मुख्यतः डोका अवस्था पर ही फलों की तुड़ाई करते हैं, क्योंकि इसकी पिंड अवस्था जुलाई अगस्त में आ पाती है तथा उसमें वर्षा होने से फल खराब होने लगते हैं। टर्निंग एंड पर्णिंग, खजूर एक बीजपत्री मोनोकोट वृक्ष है, अतः शुरुआत में पार्श्व से ऑफशूट निकालते रहने से एकल तनायुक्त वृक्ष बनेगा, जिस पर फलों के गुच्छे भरपूर होंगे तथा इनके मध्य वायु का संचार अच्छा रहेगा। इस हेतु जून माह में सूखी पुरानी पत्तियों को काट देना चाहिए तथा प्रति वृक्ष 75 से 100 पत्तियां ही रखनी चाहिए। खजूर के वृक्ष में बीमारियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो इससे बचने के लिए कीट, ताड़ दून, राइनोसेरस बीटल, वैसक भृंग चमकदार काले भूरे रंग का होता है। इस कीट की सुंडी पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है
और इसके प्रकोप से पौधा पीला पड़ जाता। तो इसके प्रबंधित नियंत्रण करने के उपाय में फेरामोन ट्रैप ल्यूर से आकर्षित करना चाहिए, वेसर को लाइट ट्रैप से तथा पौधे के पास नेफ्थलीन वॉल्स रख देने से इसकी दुर्गंध से बीटल नहीं आते तथा रसायनों में डाइजिनोन 20 इसी दवा 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से इसका छिड़काव करना चाहिए। रेड पाम बीटल बीविल इल्ली, ये वयस्क लाल भूरे रंग का होता है। लार्वा एक भूरे रंग के सिर के साथ सफ़ेद पीला होता है। ये कीट जड़ को नुकसान पहुंचाता है तथा अंदर से खोखला कर देता है। इसके प्रबंधन में क्वारंटाइन संगरोध निषिद्ध अपनाना चाहिए। प्रीडेटर प्लेटीमेरिस आरएक्स का उपयोग भी सही रहता है और रासायनिक उपचार में डाईमिथियोन 30 इसी का छिड़काव भी करना अच्छा रहता है। खजूर का इसके ये कीट नए युवा पौधों में अधिक नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के निम्फ एम्वेसक पतियों व नई वर्दियों का रस चूसकर उन्हें कमजोर बना देता है। प्रकोप मई जून से शुरू होकर नवंबर दिसंबर में गंभीर रूप ले लेता है। इसके प्रबंधन के उपाय के रूप में प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग करना चाहिए, जिसमें लेडी बर्ड बीटल, क्राइसोपर लार्वा, प्रेंग मेटेड इत्यादि, और अगस्त मई में महीने में इमीडा क्लोरपीड 17 SL का 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से दवा का छिड़काव करना चाहिए। खजूर का मौत लेजर डेथ मॉफ, कीट की लार्वा अपरिपक्व फलों को नुकसान पहुंचाते हैं तथा उपज में भारी गिरावट आती है। इस कीट का आक्रमण अप्रैल से अगस्त माह तक होता है और वर्षा आने पर इसमें सघनता बढ़ जाती है। नियंत्रित करने के उपाय में स्पाइनोसाइड का 0.03% का छिड़काव करना हितकर रहता है। अंतःभूस्तारी पोदगलन तथा बोट्राइलोफोइडा वंश का कवक पर्वों में गलन बड़ी खजूर के वृक्षों में भी धीरे धीरे क्षय की ओर होता है। इस समस्या को बायूद रोग कहते हैं। इस रोग के प्रबंधन में हमेशा सर्कस ऑफशूट स्वस्थ मात्र पौधे से लेना चाहिए। ऑफशूट को कार्बेनिज्म 0.2% या रिडोमिल 0.15%, कवकनाशी घोल में 2 से 5 मिनट तक डुबोकर ही इसका रोपण करना चाहिए। ग्रेफियोला पत्ती धब्बा रोग स्मट कवक, पत्ती की सतह पर छोटे भूरे कथई रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद की अवस्था में पत्तियों के दोनों ओर डंठल पर फैल जाते तथा पत्तियां पीली होकर की गिरने लगती। रोग प्रबंधन में ग्रसित भाग को काट छांट कर जला दें, जमीन में गाड़ दें एवं ताम्र युक्त कवकनाशी जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लू कॉपर का 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार इसका छिड़काव करें। खामीज रूप कवक मुंगिनेला वंश की कवक है। इसके पुष्पक्रम को स्पेडिक्स कहते हैं। खजूर का जो पुष्पक्रम होता है इसे स्पेडिक्स कहते हैं। इसका रूप लगातार वर्षा वाले क्षेत्रों में और बिना क्षार संभाल वाले क्षेत्रों में ये होता। इस रोग में पुष्प मंजीर पर भूरा क्षेत्र बनता है तथा बाद में पूरे पुष्पक्रम के आंतरिक भागों में फैल जाता है। इस रोग का संक्रमण एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर पराग कणों द्वारा होता है। रोकथाम में ऐसे संक्रमित पुष्पक्रम को तोड़कर जला देना चाहिए व बोर्डो मिक्सर की
1% विलयन का छिड़काव भी आपको कर लेना चाहिए। ये थे खजूर के पादप में, वृक्ष में पौधों का संरक्षण। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड, कितनी उपज प्राप्त होती है एक प्लांट से। खजूर रोपण के 6 से 7 वर्ष बाद व्यावसायिक फलन में आता है, किस्म के अनुसार रंग परिवर्तन होने पर डोका अवस्था पर फलों की तुड़ाई करते हैं। प्रति वृक्ष 75 से 100 किलोग्राम फल प्राप्त होते हैं। ताज़ी फलों को 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस व 85 से 90% आर्द्रता पर, सूखे फल भी इसी तापमान पर परंतु 65 से 70% आर्द्रता पर 1 माह व 1 साल तक रख सकते हैं। पिंड खजूर बनाने हेतु डोका अवस्था में तोड़े फलों को ब्लाचिंग, उबालते पानी में आधा मिनट रखकर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर विद्युत चलित भट्टी डिहाइड्रेटर में रखते हैं, तथा ड्राई डेट्स छुआरा बनाने हेतु डोका अवस्था के फलों को 5 मिनट ब्लाचिंग कर उन्हें विद्युत चालित भट्टी में 48 से 52 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 70 से 90 घंटे या 80 से 120 घंटे धूप में सुखा देने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। ओके, थैंक यू।